गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अभी अपनी मम्मी के घर आई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं, कहाँ जा रही हूँ, मतलब कुछ काम से ही जा रही हूँ, तो जिया के साथ जा रही हूँ। तो तैयार वगैरह हो चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं, मतलब ये बिजनेस डे का ब्लॉग है। तो थोड़ा यहाँ पे रेगुलर ब्लॉग मैं नहीं कर पाती हूँ, ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पता ही मायके में तो मतलब ज़्यादा, एक तो मेरा मन भी नहीं होता है, मैं सबके साथ गप्पे सप्पे करते रहती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ, जिया के साथ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ तो वो आप लोग अभी ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा तो पता चल जाएगा। सॉरी, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब बस अभी निकलना ही है। तो स्कूटी से जा रही हूँ मैं आज, जिया, और सारा सामान अभी मतलब ऐसे ही मतलब बिखरा हुआ है, क्योंकि मेरे बैग वगैरह है जो भी मैं लेके अपना सामान वगैरह आई हूँ, तो सब ऐसे ही बिखरा हुआ है। और मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं बस अब निकलने वाली हूँ जिया, रिया रिया और जिया के साथ जाऊँगी। तो चलिए आप लोग भी, और मैंने 2 दिनों का मतलब इसमें ऐड कर दिया है एक ना, और अभी थोड़ा लेट हो चुका है, तो मैंने सबसे पहले मैं आप लोग से थोड़े बातें बातें कर लेती हूँ और वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि होता है ना कि, और ख़ास करके मायके में मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है कि मैं कोई भी मतलब ब्लॉग वगैरह बनाऊँ, बट मायके आए हैं और थोड़ा सा मतलब आदत हो गई है ना वीडियो डालने की, तो थोड़ा खुद में लगता है कि आज मैंने वीडियो नहीं डाला। तो चलिए मतलब क्या बोलूँ, मतलब कि वीडियो में साथ रहिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। बिल्कुल भी लाइक आप लोग नहीं करते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं गाइस, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आजकल मेरी वीडियो एकदम व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और मैं कोशिश करती हूँ टाइम निकाल के सबकी वीडियो पर जाती हूँ, बट यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर थोड़ा नेट का थोड़ा इश्यू होता है, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, बट मैं सबकी वीडियो पर आऊँगी। तो कीप पेशेंस एंड सपोर्ट ईच अदर। तो गाइस, यहाँ पे मैं मतलब जाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी, तो थोड़ा सा मतलब वेट वगैरह बहुत अस्त व्यस्त सा लग रहा था, क्योंकि घर में बच्चे आ जाते हैं, बैठते हैं तो ख़राब हो जाता। मॉर्निंग में मैंने ठीक कर दिया था, फिर भी मुझे वेट वगैरह ना स्टेप से अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैं जाने से पहले मैंने सोचा सबको थोड़ा मैं ठीक कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ, क्योंकि बिस्तर ठीक कर दिया था मैंने, फिर भी थोड़ा लग रहा था, तो क्योंकि फिर बाहर से आने के बाद अजीब सा लगता है, तो मैं बस सबको हटा के और व्यवस्थित कर रही थी, सबको उसके जगह पे रख रही थी। और फिर उसके बाद मुझे निकलना भी था जिया और रिया के साथ, मतलब अपनी भतीजी के साथ बाहर जाना था, क्योंकि भाभी भैया बोल रहे थे कि जाना है, तो मुझे ही जाना था, क्योंकि बताती हूँ कि मुझे ही क्यों जाना था, रीज़न मैं आप लोगों को। तो और यहाँ पे मैं सॉक्स वगैरह पहन रही थी, और थोड़ी देर पहले ही मैं जस्ट नहाई थी, तो मैं तैयार हो चुकी थी, बट मैंने कुछ नहीं किया था, कॉम्ब वगैरह मैंने कर लिया था, और थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि वहाँ पे मतलब 12 बजे तक मतलब पहुँच जाना था, तो ठंड का मौसम है तो थोड़ा तो लेट हो ही जाता है गाइस। तो बस लेट नहीं हुआ था, बट मतलब भाई बोली थी थोड़ा टाइम पे जाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी मतलब बाल वगैरह मैंने ठीक नहीं किया था, जल्दी मैंने ऐसे ही कर लिया। और अभी मैं मॉइस्चराइजर लगा रही थी अपने फेस पे, क्योंकि मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि अभी मतलब विंटर में थोड़ा स्किन खिंचा खिंचा सा होने लगता है, तो वही मैं मॉइस्चराइजर लगा रही थी। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पे आया है डुग्गू, तो उसे कुछ ले या कुरकुरे कुछ चाहिए था, तो वो बोल रहा था कि मेरे लिए कुछ लेके आइएगा, आप बाहर जा रही हैं तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो बच्चे ज़रूर बोलते हैं कि मम्मा कुछ लेके आइएगा, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, वेट करते रहते हैं, तो मैं उसको बोल रही थी ठीक है। और यहाँ पे मैं मतलब वॉच पहन रही थी अपनी घड़ी, तो मैं निकाल रही थी, मैं बैग में ही रख देती हूँ, यहाँ पे मुझे समझ भी नहीं आता सारे सामान इधर से उधर मतलब ना हो जाए, तो देखिए मैंने वॉच पहन ली है, और मतलब मुझे आदत है तो मैं टाइम वगैरह देखते रहती हूँ बाहर जाती हूँ, तो इसलिए मैं वॉच पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉच पहन लिया था मैंने, यहाँ पे मेरा बैग भी रेडी हो चुका था, इसमें कागज़ वगैरह जो भी होता है सब डॉक्यूमेंट मैंने रख लिया था, और मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ। तो देखिए मेरा मतलब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपनी घड़ी, पर्स और बाय, तब तक के लिए आप लोगों को। गाइस, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं जिया,
रिया और हम लोग तीनों जा रहे हैं फुआ भतीजी। आप लोग पहले ही मिल चुके हैं। दोनों भैया की बेटी है जिया एंड रिया, तो हम लोग तीनों जा रहे हैं। तो कुछ हम लोग काम से जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी, और उसके बाद थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय 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 बाय। सो गाइज, अब फाइनली मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे मैं इंश्योरेंस करवाने के लिए आई थी स्कूटी का, भैया की स्कूटी थी। तो एक्चुअली घर में कोई चलाता नहीं है, तो मैं ही चलाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई हुई थी, तो भैया ने बोला कि जाके इंश्योरेंस करवाना है, तो चली जाना। तो भाई मैं जियारिया के साथ आई थी यहाँ पर इंश्योरेंस करवाने के लिए स्कूटी का। तो यहीं से स्कूटी हम लोगों ने खरीदा था, शोरूम है ये। तो उसके बाद हम लोगों को दीदी के घर भी जाना था। सो गाइज, मैंने तो एकदम छोटी सी वीडियो बनाई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। पता नहीं अच्छी तो नहीं लगती होगी, क्योंकि अगर अच्छी लगती तो वीडियो जरूर वॉच करते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते गाइज। और मैं बहुत छोटी वीडियो बनाती हूँ, और एक टाइप की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, थोड़ी डिफरेंट ही बना लेती हूँ। फिर भी आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को वॉच किया कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया कीजिए। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।